अरे बाबा सूखे सूखे बैठे हैं, आप डालो। ताऊ मम्मी बुला रही हैं, कह रही हैं जाकर को बैठे हैं ज्वाड़ियन में। तू चल मैं आ रहा हूँ। तुम्हें कुछ काम नहीं है जो चौपाल पे बैठे थे? जाओ खेतों पर ही देखाओ कुछ कर सको तो। ठीक है चला जाऊंगा। अरे मोदी में भी पानी नहीं है, ये भी सूख गई। अरे हेडपंप में भी पानी नहीं है, ये भी सूख गया। पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है खेतों पर। ऐसी भीषण गर्मी में ये खेत सारे सूखे पड़े हैं, कुएं सूख चुके हैं, हैंडपंप में पानी नहीं है, बोर में पानी नहीं है, और मैं ऐसी भीषण गर्मी में इन खेतों में क्या करूँगा? इन खेतों में कुछ नहीं हो सकता। और अगर मैंने ज़्यादा मेहनत की तो मैं बीमार और पड़ जाऊँगा, इससे अच्छा तो मैं घर ही जाता हूँ, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बड़ी जल्दी आ गया अपने लायक खेतों में, कुछ काम समझ आया? बहू खेतों में कुछ नहीं हो सकता, बोर में पानी नहीं है और कुएं सूख चुके हैं। ठीक है तुमसे कुछ नहीं होगा, सो जाओ चुपचाप। हे भगवान, ऐसी भीषण गर्मी में पालतू पशुओं के लिए दाना पानी मिल जाता है, लेकिन झाड़ियों में और जंगलों में रहने वाले जानवरों का क्या होता होगा? ये तो ऐसी भीषण गर्मी में मर जाते होंगे। अरे सवेरो हैगो, हैंडपंप पे भीड़ लग गई होगी।
अरे राम खिलाड़ी, अरे कुछ काम कर लिया करो, कुछ खाना आना हजम हो जाएगा। अरे मोनी मोड़ा रुक जाओ, मैं भी चल लिया हूँ तुम्हारे संग, काम कछु है नहीं है, चलो वहाँ घूमे आएंगे अपन, रुको ठहरो आ रहा हूँ। राम खिलाड़ी, आज क्या दोपहर तक सोना है क्या, उठोगे नहीं आप? चाचा मैं जंगल को देखकर ये सोच रहा हूँ, ये पेड़ पर रहने वाले पशु पक्षी तो इधर उधर जाके चुंग आते होंगे, लेकिन झाड़ियों में रहने वाले जैसे सांप, बिच्छू, कातर, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, हिरण, बकरी, ये तो अपने आप को झाड़ियाँ खाकर और झाड़ियों में छुप के ही अपने आप को बचा पाते हैं, ऐसी भीषण गर्मी में इनका क्या होता होगा? अरे ऐसा तो शुरू से चलता आ रहा है, अपन को क्या करना है? तुम उठ रहे हो कि मैं जाऊं? नहीं चाचा, मैं आता हूं। ठीक है। लंबाई चौड़ाई मिला के लगभग 1 किलोमीटर का पहाड़ मुझे हरा भरा करना है, और पेड़ नहीं झाड़ियों सहित हरा भरा करना है। इन्हीं में तो रहने वाले जानवर छुपते हैं, खरगोश नहीं खाकर तो जीवित रहते हैं। बारे भगवान, तुमने मुझे काम दे दिया, अब पानी देना कल से ही शुरू करता हूँ। बारे भगवान, तूने मुझे काम दे दिया। जिस दिन मुझे पता चल गया ना मेरा जटाधारी नाम किसने रखा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप भी क्या बच्चों की बातों को बुरा मान रहे हो? अरे इस गांव में बेइज्जती करवाने लेके आई मुझे। अरे बच्चे तो प्यार से बोलते हैं। अरे देख लिया प्यार उन बच्चों का और तुम्हारा भी प्यार देख लिया। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, अब चलो भी। इस लड़की के चक्कर में मैंने अपना पूरा जीवन खराब कर लिया, ना पढ़ पाया, ना मैंने शादी की, नहीं आज तो मेरे भी परिवार होता, बच्चे होते, लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पानी भर गया ना, मुझे ये पहाड़ हरा भरा करना है। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है और तुझे पहाड़ हरा भरा करना है, ऐसा क्या है तू? तूने धक्का दिया इसलिए मैं कुछ नहीं कहता, कोई और होता तो मैं उसे बताता। तुझे कोई और धक्का कैसे दे सकता है, उसे मैं जिंदा ही कर देता। राम खिलाड़ी तो मेरा भाई है। क्यों यहाँ क्या देख रही है एक पंपर? तेरी इतनी हिम्मत मूर्ख चंदर। पापा शरीर मत मारो, मम्मी मर जाएगी।
अरे नमस्कार राम खिलाड़ी जी, आओ बैठो। उस दिन हेडपंप पे क्या हो गया था? अरे हुआ कुछ नहीं था, मैं क्या ये पहाड़ हरा भरा करना चाहता था। पूरे गांव के लोग पानी भर रहे थे उस पे, किसी ने भरने नहीं दिया, ऐसी धक्का मुक्की हो गई थी। खैर कुछ नहीं है, आगे सब मामला शांत हो गया। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, दोपहर के वक्त वहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ से पानी भरकर पहाड़ के पेड़ पौधों पर डाल सकते हैं, इससे पहाड़ भी हरे भरे रहेंगे। रात के 9 बजे के बाद भी वहाँ कोई नहीं रहता, उस वक्त भी पानी भरकर पहाड़ों पर डाल सकते हैं, जिससे पेड़ भी हरे भरे रहेंगे। ठीक कहा आपने, इससे ना किसी से झगड़ा ना झांसा, समझ गया मैं, अब मैं चलता हूँ सर। आज भी ये लड़की मेरी भावनाओं का कितना मान रखती है, और इस लड़की के चक्कर में जीवन खराब हो गया कोई बात नहीं है। जो गुजर गया है वो अब दौड़ के आएगा, दिल में तेरे सिवा कोई और क्या आएगा। लो इतने में ही हरे भरे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा पानी मिलेगा सबको, क्योंकि मुझे पूरा पहाड़ हरा भरा करना है। लो थोड़ा सा पानी तुम भी ले लो, तुम्हारे पास भी आ रहा हूँ। थोड़ा सा पानी पी लो, इतने में ही हरे भरे हो जाओ। तुम लोगों को खाके ही सांप बिच्छू खरगोश लोमड़ी ये सब जिंदा रहते हैं। लो थोड़ा सा पानी पी लो, इतने में ही हरे भरे हो जाओ। सांप बिच्छुओं को तुम्हारे अंदर छुपके ही जीवित रहना है।
सकते हो। इन परेशानियों से घबरा कर मैं इस पहाड़ को हरा भरा करना बंद कर दूंगा। ये काम मुझे भगवान ने दिया है। लोग कहते थे मेरे पास काम नहीं है। मैं इस पूरे पहाड़ को हरा भरा करके ही मानूंगा, चाहे कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े। खिलाड़ी क्या पागल हो गया है क्या? भांडियों से क्या पहाड़ ओहो, मेरी मेहनत रंग ले आई। अरे वाह, इनमें तो पीका निकल गया है, ये तो हरे हो गए। ओहो, ये तो बहुत अच्छा लगा। मेरे पास कोई काम नहीं था ना, अब मेरे पास काम आ गया है। अब मैं पूरा जंगल हरा करूँगा। हे ऊपर वाले भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ओहो, मज़ा आ गया। अब धीरे धीरे पूरा जंगल हरा हो जाएगा। अरे मंत्री जी, ये गांव के ऊपर पहाड़ पर हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बाकी का जंगल सूखा पड़ा हुआ है। कलेक्टर साहब, यहाँ पास ही में एक राम खिलाड़ी नाम का सनकी रहता है, सारा ये उसी का किया धरा है। अच्छा, ड्राइवर गाड़ी वापस लो, मुझे उस राम खिलाड़ी से मिलना है आज अभी के अभी। ही इज ग्रेट पर्सन, वेरी गुड। कलेक्टर साहब, मुझे सिटी में बहुत सारी मीटिंग और सभाओं में भाग लेना है। मंत्री जी, आप स्थानीय नेता हैं, आपको राम खिलाड़ी की मदद करनी चाहिए। ठीक कहा आपने, इतनी भीषण गर्मी में इन पहाड़ों को हरा भरा करना आसान काम नहीं। सर, मेरा आप दोनों से निवेदन है कि आज के सारे कार्यक्रम पोस्टपोन करके राम खिलाड़ी से मिलने चलते हैं। अच्छा, ड्राइवर गाड़ी वापस लो। राम खिलाड़ी कहाँ पे है? राम खिलाड़ी को जरा
अच्छा अच्छा कलट साहब बुला रहे हैं, राम खिलाड़ी को बुलवाओ। सर वो राम खिलाड़ी आ गया है। आपने ये पहाड़ हरे भरे किए हैं, आपके मन में ये विचार कैसे आया? सर मैं एक दिन छत पे लेटा हुआ था, मैंने सोचा कि पालतू जानवरों के लिए तो खाने पीने दाना पीने के लिए व्यवस्था सभी कर देते हैं, लेकिन ये ऐसी भीषण गर्मी में जंगल में रहने वाले और झाड़ियों में रेंगने वाले इन जीवों के बारे में कोई नहीं सोचता। सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े ये जब गांव में उतर कर आते हैं तो लोग इन्हें मार देते हैं, भावनाएं तो सबकी एक जैसी रहती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये पहाड़ को पेड़ों सहित और घास सहित हरा भरा कर दूं। बहुत अच्छा, ये मेरी तरफ से 5,000 रुपए रखो, मंत्री जी आपको 10,000 रुपए देंगे। राम खिलाड़ी जी, आपने वाकई बहुत काबिले तारीफ प्राप्त किया है, और लोगों को भी आपसे कुछ सीखना चाहिए। ये लीजिए, ये मेरी ओर से आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं भी राम खिलाड़ी को अपना 15 दिन का वेतन देता हूँ। मैंने भी लवफायर को शांत करने के लिए अपने आप को पढ़ाई की आग में झोंक दिया, तब जाकर एसडीएम बना। मैं आपको शहर बुलवाऊंगा जिसमें आपको एक बड़ा पारिश्रमिक दिलवाऊंगा। मैं गाड़ी भेजूंगा, कृपया आप आ जाना। आज का कार्यक्रम राम खिलाड़ी जी के सम्मान के लिए रखा गया है, जिसमें हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि के रूम में माननीय मंत्री महोदय, माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एसडीएम साहब पधारे हैं। सभी का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय हमारे राम खिलाड़ी जी वो आए और अपना सम्मान प्राप्त करें कलेक्टर साहब और मंत्री महोदय से। जिस विषय पर आज तक किसी ने नहीं सोचा, राम खिलाड़ी जी ने कठिन परिश्रम से उस कार्य को कर दिखाया। हम सभी को राम खिलाड़ी जी से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हम सबको राम खिलाड़ी जी जैसे भावना प्रधान हार्ट वर्कर का दिल से सम्मान करना होगा, तभी समाज में बदलाव आ सकता है। लव फायर को शांत करने के लिए कुछ लोग गलत दिशा का चयन करते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। राम खिलाड़ी ने सही दिशा का चयन किया, इसलिए हम तीनों पदाधिकारी मिलकर राम खिलाड़ी को पानी का एक टैंकर और 2 लाख रुपए देते हैं।
गांव में सभी लोग मुझे नकारा, दीवाना, सनकी बोलते थे। मेरा कोई मान सम्मान नहीं था, लेकिन साहब आए और उन्होंने देखा और मेरे काम को सराहा और मुझे सम्मान से नवाजा है। इससे गांव में मेरा सम्मान बढ़ेगा, शायद मुझे भी लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। मैं साहब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गुड, बहुत बढ़िया।